दोस्तों सिर्फ 20 रुपये में इतने जो हम बड़े साइज के प्लांटर तैयार किए हैं, आप भी इस तरह से इतने कम खर्च में इतने गहराई वाले प्लांटर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही इजीली ये तैयार हो जाता है। और कहाँ से लेना है, कहाँ से मिलेगा, ये आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। इस पार्ट को हमने अभी अभी बनाया है, आइए आपको भी ये दिखा देते हैं कि इस पार्ट में आप क्या क्या लगा सकते हैं, वो भी इसमें वीडियो में बता दूंगा। और बहुत ही इजीली ये तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। हो सकता है आपको ना लगे लेकिन मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत किया है इस पर और बहुत मेहनत करने के बाद इस तरह से लुक आए हैं। ये हमने कहाँ से लिया था वो भी इस वीडियो में बता दूंगा। और इसमें जो है बड़े पार्ट फ्रूटिंग के पौधे, वेजिटेबल के बड़े पौधे, जो परमानेंट चलने वाले पौधे हैं उन्हें लगा सकते हैं। इनमें जो है हमें इसी को ट्रांसफ़र करना है। ये जो हमारा प्लांट देख रहे हैं बहुत बड़ा हो गया है और इसका पार्ट बहुत छोटा है और लगभग 10 इंच का ही पार्ट में लगा है, तो इसको हमें ट्रांसफ़र करना था तो हमने ये जाके ले आया और ये आपको भी तैयार करके दिखा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुभाष कुमार, आप देख रहे हैं इसका टेरिस एंड गार्डन टिप। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कभी कभी दोस्तों हम लोग जो प्लांट लगाते हैं, देखिए ये तो 18 इंच में है, ये तो चल जाएगा, लेकिन ये एक प्लांट हमारा देखिए जो बहुत बड़ा हो गया है और इसको जो है बहुत छोटे पार्ट में ही लगा है। ये देखिए इतने छोटे पार्ट में है और ये हमारे हाइट से भी बहुत ऊँचा हो गया है, तो इसी को हमें एक्सचेंज करना है। इसके लिए हमने एक 20 रुपये की बाल्टी लाया है जिससे हमें ट्रांसफ़र करनी है। तो देखिए ये 20 रुपये में हम लाए हैं, लेकिन 20 रुपये में ही दो बाल्टियाँ मिल गई हैं इस तरह से, तो इनमें जो हम लगा लेते हैं इनको तो हमारा प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। तो 20 लीटर की बाल्टी में प्लांट बहुत अच्छे से चलते भी हैं और बहुत अच्छे से ग्रो भी करते हैं और बहुत लंबे समय तक इसमें बना रहता है। लेकिन ये बहुत थोड़ा गंदा दिख रहा है तो इसे साफ़ करके हम अब पेंट कर लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि ये पेंट करने के बाद कितना बढ़िया लगने लगा। जैसे कि ये देखिए हमारे गुआवा का प्लांट है और लगभग 1.5 साल पहले लगाया था हमने 20 लीटर की बाल्टी में और खूब अच्छे से ये चल रहा है, तो इसीलिए हम बड़े प्लांटों को 20 लीटर की बाल्टी में लाते हैं। ये हम कबाड़ी वाला से लिए तो हमें जो है ये 20 रुपये में ही दो बाल्टियाँ दे दिया क्योंकि हमारी जहाँ शॉप है वहीं तो वाजिब रेट में दे देता है, तो है थोड़ी सी टूटी हुई थी तो इसको हमने फेविक्विक से चिपका दिया और इसे अब पेंट कर लेंगे तो बहुत ही ये बढ़िया लगने लगेगा। तो आइए इसे पेंट कर लेते हैं कबाड़ रूम में, यहाँ हम इसे पेंट करेंगे। तो दोस्तों पेंट करने के पहले जो है इस तरह से बालू कागज़ जो होते हैं यानी सैंड पेपर, खूब अच्छी तरह से इनको स्मूथ कर लेना है ताकि हमारा पेंट जो है बहुत अच्छे से इससे चपके, खूब अच्छी तरह से मार करके और इससे कपड़े से खूब अच्छी तरह से पोंछ लें। उसके बाद मनचाहा पेंट कर सकते हैं। हमारे पास छोटे छोटे पहले से पड़े पेंट हैं जो ग्रीन है और वाइट है और पीला है, इन्हीं तीनों कलरों से इसे हम कॉम्बिनेशन में पेंट करेंगे। तो फटाफट इसे साफ़ कर लेते हैं यहीं पे दोस्तों, इसी कबाड़ रूम में। मैं अपने टेक्निकल का भी वीडियो बनाता हूं तो वहीं पे लाया हूं गार्डन से थोड़ा बाहर ताकि इसे अच्छे से हम पेंट कर सकें। तो देखिए दोस्तों इसमें हमने नीचे देखिए ग्रीन पहले डाला था, ग्रीन और पीला को एक में मिला लेते हैं और फिर इसी को पेंट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से मिला देंगे तो हमारा थोड़ा हल्का ग्रीन हो जाएगा जो हमारे गार्डन के लिए बेहतरीन कलर होगा। तो इसे अच्छी तरह से मिला के और थोड़ा सा तारपीन का तेल डाल देते हैं ताकि पेंट ढीला हो जाए। उसके बाद इन बाल्टियों को फटाफट कर लेते हैं। उसके बाद कुछ पैटर्न बनाएंगे जिससे देखने में हमें और भी अच्छा लगे, इस तरह से फिर हम इसे पेंट कर देंगे। तो आइए इसे एक कलर मार लेते हैं तब आपको आगे दिखाते हैं। तो देखिए ऊपर का डार्क हमने कर दिया और इस सर भी, और इसको पूरा ग्रीन कर दिया। इसमें और भी हमें पेंट करने हैं ताकि और थोड़ा खूबसूरत लगे, लेकिन उसके लिए अब पेंट सूख जाए तब इसको हम आगे के डिज़ाइन थोड़ा डिजाइनदार इसको पेंट करते हैं। दोस्तों देखिए हमने इसे अब पेंट कर दिया है। हमारे पास सिर्फ दो ही कलर उपलब्ध थे, एक जो है ये येल्लो और एक जो है ये ग्रीन है डार्क ग्रीन। इन्हीं को मिक्स करके हमने इस तरह के कलर बनाए और ऊपर ज़्यादा गाढ़ा किए उससे हल्का और नीचे जो है प्लेन सिर्फ ग्रीन कलर से कर दिया और इस तरह के पैटर्न बना दिया। मुझे पेंटिंग बहुत अच्छी तरह से नहीं आती लेकिन हमने जैसा हो सकता है बनाया। दोस्तों ये हमने ऑयल पेंट से पेंट किया है इसलिए ऑयल पेंट से पेंट करके और तुरंत डिजाइन बनाने में बहुत थोड़ी दिक्कत होती है। हाँ अगर दूसरा कोई पेंट होता या मार्कर वगैरह से बनाना होता तो ये बहुत ईजिली बन जाते, तो हमें जैसा हो सकता है वैसा हमने बनाया है। और देखिए बहुत ही ये प्लांटर मजबूत अब हो जाएगा क्योंकि बहुत पुराने होने की वजह से इस पर जो है रगड़ने पर पता चल रहा था कि धीरे धीरे रेशा छूट रहा है यानी कि अब कमज़ोर हो रहा है, लेकिन जब हम पेंट कर दिए हैं इसे तो ये बहुत ही मजबूत हो जाएगा और बहुत दिनों तक हमारा गार्डन में साथ देगा।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। आप अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।